उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका मंत्रिमंडल विदेश यात्रा करने जा रहा है। योगी और उनकी टीम ये यात्रा इस महीने पूंजी निवेश को लेकर 20 अलग अलग देशों में करेगी, जहां ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। आपको बता दें कि इस विदेश यात्रा का मकसद यूपी में पूंजी निवेश को बढ़ाना है। यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी साउथ अफ्रीका और मॉरिशस का दौरा करेंगे और वहां के निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। इस मौके पर लखनऊ से विशेष संवाददाता शुभकांत श्रीवास्तव ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। समिट का आयोजन होना है, उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में कई कैबिनेट मंत्री विदेशी दौरे पर जाने को तैयार हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से रोड मैप तैयार किया जा रहा है इन्वेस्टर समिट को लेकर? आप भी विदेशी दौरे पर हैं और मॉरिशस आपके लिए कितना महत्व? देखिए, तो बहुत पहले तय किया, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 लाख ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पाना, उसका लक्ष्य पाना हमारा मकसद है। उस लक्ष्य को पाने के लिए 10 लाख करोड़ का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में आवे, ये हम लोगों ने टारगेट निर्धारित किया है। फरवरी में इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, वो उत्तर प्रदेश में आवें, हम उनको एक तरीके से आमंत्रित करने जा रहे हैं, जो एक बेहतर वातावरण का निर्माण उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। जो हमने पावर के क्षेत्र में काम किया है, परिवहन के क्षेत्र में काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने काम किया है, इन तमाम बातों को लेकर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, उन लोगों के साथ संवाद करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे। यही है इन कार्यक्रमों के पीछे का जो मेन उद्देश्य, वो यही है। अभी सर, इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश में, विपक्ष ने बार बार ये आरोप लगाया कि कई उद्योगपति आए और उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का जो है खाका तैयार किया, लेकिन धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा। अब की बार किस तरह? देखिए, उत्तर प्रदेश आज न्यू इंडिया, जो पूज्य प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसके साथ खड़ा हो रहा है। एक नया उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिल रहा है, ये विपक्ष को पच नहीं रहा है। ये जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लिए कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन साकेत के साथ शुभकांत श्रीवास्तव, MKN न्यूज़, लखनऊ।